बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ है, अगर एफ पी क्यू एन आर टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी ए बी सी रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर पी टर्म हमारे साथ ए हो, क्यू टर्म हमारे साथ बी हो और आर्थ टर्म हमारे साथ सी हो, इज इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट ए पावर क्यू माइनस आर इन टू बी पावर आर माइनस पी इन टू सी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू वन। ठीक है, सबसे पहले हम पी क्यूट और आर टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जनरल फार्मूला ए एन का हमारे साथ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ए एन टू आर पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ए एन की जगह अगर हम ए पी लिखते हैं, ए पी, तो हमारे साथ ए एन टू आर पावर एन की जगह हम पी पुट करेंगे, पी माइनस वन। इसी तरह अगर हम एक ए क्यू लिखते हैं तो ए क्यू हमारे साथ ए इन टू आर पावर क्यू माइनस वन। इसी तरह अगर हम ए आर्थ आर्थ मतलब अगर एन की जगह हम आर पुट करते हैं तो हम लिखेंगे ए इन टू आर पावर आर माइनस वन। ठीक है, तो हमारे साथ अब प्रूफ के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है ए इन ए पावर क्यू माइनस आर, ये टर्म मेरे साथ ए के बराबर है, ये हम ये गिवन है, ये टर्म बी के बराबर है और ये टर्म सी के बराबर, तो ए की जगह हम पुट करते हैं ए आर पी माइनस वन, ए इन टू क्यू माइनस आर, बी इन टू आर माइनस पी और सी इन टू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब ए की जगह हम पुट करते हैं ए आर इन टू पी माइनस वन, ए आर इन टू पी माइनस वन अवर पावर क्यू माइनस आर। ठीक है, बी पावर, तो बी हमारे साथ है ए आर इन टू क्यू माइनस वन, बी हमारे साथ है ए आर इन टू क्यू माइनस वन पावर आर माइनस पी। सी की जगह हम पुट करते हैं ए आर इन टू आर माइनस वन, ए आर इन टू आर माइनस वन पावर पी माइनस क्यों। अब ये हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए इन टू क्यू माइनस आर, आर इन टू पी माइनस वन इन टू क्यू माइनस आर, ए इन टू आर, ए इन टू आर माइनस पी, आर इन टू क्यू माइनस वन इन टू आर माइनस पी और ए इन टू आर माइनस, ए इन टू आर माइनस वन, ए इन टू पी माइनस क्यू p माइनस क्यू आर पावर आर माइनस वन इन टू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो अब a के a a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a, तो मल्टीप्लीकेशन की पावर हमारे साथ एड होते हैं, तो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, अब r के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ r पावर आ जाएगा p माइनस वन मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस आर, जब दो पावर आ जाए तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमारे साथ आ जाएगा पी क्यू आर पावर आर पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इस तरह एन टू आर पावर क्यू आर माइनस पी क्यू क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी मल्टीप्लाई बाई आर पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। तो एक
की पावर प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएंगे, माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, तो हमारे साथ ए पावर जीरो आ जाएगा। और आर तीनों आर मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर एड होते हैं, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, तो प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी आर प्लस पी आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर और प्लस पी माइनस पी के साथ कैंसिल हो जाएगा। विच इज इक्वल टू ए पावर जीरो इनटू आर पावर जीरो, ए पावर जीरो एनीथिंग पावर जीरो विल बी इक्वल टू वन, ठीक है, तो इससे भी वन आ जाएगा और इससे भी वन आ जाएगा, इज इक्वल टू वन, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं, तो 12 हमारे साथ है पॉइंट एन इन फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हूज सम इज 6। एक इन फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका सम 6 के बराबर है, मतलब एस इंफिनिटी हमारे साथ 6 है, एंड सच दैट ईच टर्म इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट द सीरीज इज, फर्ज करें हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो हमारे साथ इसका एस इन्फिनिटी इसका सम हमारे साथ 6 के बराबर है, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये हमारे साथ फार्मूला है और ये हमें गिवन है कि ये 6 के बराबर है, तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 6 आर, तो ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। इसके अलावा हमें गिवन है कि हर टर्म आने वाले टर्म के 4 टाइम्स है, ईच टर्म इज 4 टाइम्स एज ईच टर्म इज 4 टाइम्स the sum of all the terms 4 times the sum of all terms follow it, so a1 is equal to 4 times ar plus ar square plus ar cube, ठीक है, तो इसी तरह a2 is equal to ar square, a2 हमारे साथ ये है दूसरा टर्म, ar square plus ar 4 into ar square plus ar cube plus ar 4, ठीक है, तो a1 हमारे साथ असल में a है is equal to 4, इन सब में a कॉमन है तो 4a, और इधर मेरे साथ रह गया r, इधर मेरे साथ रह गया r square plus r cube, ठीक है, तो ये both side divided by a, तो ये a cancel हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 4 एन टू, ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है, एन फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ये हमारे साथ एन फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसको मैं फार्मूले में पुट करता हूँ तो मेरे साथ फार्मूला है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो इसी केस में a हमारे साथ क्या है, a हमारे साथ r है डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे साथ ही आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर, सो दिस इंप्लाइज दैट 4 आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर या 4 आर प्लस आर इज इक्वल टू 1 या 5 आर इज इक्वल टू 1 या आर की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 5, तो अब r की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके a की वैल्यू मालूम कर लें, पुट r इज इक्वल टू 1 बाई 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
तो हमारे साथ a की वैल्यू आ जाएगी, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इनटू 1 बाय पाई व्हिच इज इक्वल टू 6 माइनस 6 डिवाइड बाय पाई, इसका एलसीएम पाई आ जाएगा, तो 30 माइनस 6 तो a हमारे साथ आ जाएगा 24 डिवाइड बाय पाई। ठीक है, तो हमारे साथ a भी मालूम हो गया, r भी मालूम हो गया। ठीक है, तो अब हम वो इनफाइनाइट सीरीज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज a plus ar plus ar square up to infinity, तो a की वैल्यू हमारे साथ 24 डिवाइड बाय 5 है, प्लस a की वैल्यू 24 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 115, प्लस a की वैल्यू 24 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 115 स्क्वायर, 115 स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर फर्दर सिंपलीफाई करते हैं यहां तक भी काफी है। ठीक है, 24 डिवाइड बाय 5 प्लस 24 डिवाइड बाय 25 प्लस 24 डिवाइड बाय 125 अप टू इंफिनिटी। तो वो सीरीज जिसका सम हमारे साथ 6 के बराबर है वो हमारे साथ मालूम हो गया। अब फिर से नंबर 12 हमारे साथ साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। तो 13 हमारे साथ है एफ वाई इज इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 क्यूब अप टू इनफिनिटी। प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू 3 वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई। प्रूव दैट x इज इक्वल टू 3y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई। ठीक है, तो हमारे साथ ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है एस x बाई 3 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 3 स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 क्यूब एस ए ज्योमेट्रिक सीरीज वेदर a इज इक्वल टू x बाई 3 अवर r इज इक्वल टू n फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज एज अ n फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद a इज इक्वल टू x बाई 3 अवर r इज इक्वल टू x बाई 3 a 2 डिवाइड बाई a 1 अगर हम कर ले तो x बाई 3 आता है। ठीक है, सो हमारे साथ अब s इंफिनिटी n फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है a डिवाइड बाई 1 माइनस r। तो s इंफिनिटी ये इसका रिजल्ट हमारे साथ y है, तो इसकी जगह मैं y पुट करता हूँ। a हमारे साथ x by 3 है, 1 माइनस हम x by 3, तो y is equal to x by 3, अब इसका LCM 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस x, x by 3, अब 3 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y is equal to y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 3 माइनस x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y इंटू 3 माइनस x इज इक्वल टू x, या 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू x। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि 3y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस x, तो 3y इज इक्वल टू इसमें हमारे साथ x कॉमन है, तो 1 प्लस वाई रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3y डिवाइड बाय 1 प्लस वाई। ठीक है, तो हमारे साथ साबित हो गया कि x बराबर है 3y डिवाइड बाय 1 प्लस वाई का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे साथ है ए बॉल रिबाउंड्स टू हाफ द हाइट फ्रॉम व्हिच इट इज ड्रॉप्ड। If it is dropped from 10 feet, how far does it travel from the moment it is dropped until the moment of its 8 bounds? इसका मतलब ये है, एक बॉल है जो 10 फुट के हाइट से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, कितनी हाइट से 10 फीट के हाइट। ठीक है, ये रिबाउंस हो गया कितना, हाफ ऑफ 10 फीट। ठीक है, हाफ ऑफ 10 फीट
तो ये कितना होगा, ये हमारे साथ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, ये हमारे साथ 5 फीट होगा, इधर ये भी 5 फीट होगा, फिर रिबाउंस हो गया हाफ ऑफ 5 फीट, ठीक है। तो 5 फीट, ये 5 फीट है तो ये हमारे साथ ये वाला 5/2 और ये भी 5/2 होगा, फिर रिबाउंस हो गया हाफ ऑफ दिस, ठीक है। तो 8 बाउंस तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रे किया, ठीक है। तो हमारे साथ ये इस तरह बनता है, पहला हम इसको 10 फीट हाइट से, तो ये वंस एक दफा आता है 10 फीट, तो हम लिखते हैं 10 फीट प्लस और फिर 5 फीट हमारे साथ दो दफा आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखते हैं 5 + 5, इस तरह हमारे साथ ये इसके बाद 5/2 + 5/2 आता है, फिर हमारे साथ आता है 5/4 + 5/4, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ आता है 5/8 + 5/8, ठीक है। जब रिबाउंस होता है तो 5/8 दो दफा आता है, इसके बाद हमारे साथ आता है फिर रिबाउंस होता है इसके हाफ, तो 5/16 + 5/16, ठीक है। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये टोटल डिस्टेंस मालूम कर ले, ठीक है। तो इसमें ये सारे, इसके अलावा सारे दो दफा आए हैं, तो ये मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस ये भी दो दफा आया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5/4, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5/8, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5/16, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5/32, और ये आखिर वाला मैं लिख सकता हूँ 2 × 5/64। अब इस सब में 2 कॉमन है, तो ये बन जाएगा 10 + 2 × 5 + 5/2 + 5/4 + 5/8 + 5/16 + 5/32 + 5/64। तो हमारे साथ ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया, इसमें हमारे साथ a1 5 है, r हमारे साथ है a2/a1, 5/2 / 5 = 5/2 × 5 = 5, 5 कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया, और n हमारे साथ कितना है, 7 है, ये टोटल टर्म कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो n हमारे साथ 7 है। तो इसको मैं 10 + 2 × an वाली जनरल फार्मूला हमारे साथ है a n × 1 − r/n / 1 − r, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 10 + 2, a की वैल्यू हमारे साथ 5 है, 1 − r n, 2 की r की वैल्यू हमारे साथ 1/2 है और पावर 7/1 − 1/2, तो ये हमारे साथ बनता है 10 + 2 5 जब हमारे साथ 10 बनता है, और ये हमारे साथ आता है 1 − 1/2 / 7 से हमारे साथ आता है 1/128 और 1 − 1/2 से हमारे साथ आता है 1/2, ठीक है। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हमारे साथ आता है 10 + 10 × 2, इसका LCM 128 आ जाएगा, तो 128 − 1, ठीक है, और डिवाइड बाय 1/2, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 10 + ये 2 डबल डिवीजन में है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 10 + 10 × 128 − 1 से आता है 127 / 128 / 1/2, विच इज इक्वल टू 10 + 10 × अब ये मेरे साथ बन जाएगा 127 / 128 × 2/1, विच इज इक्वल टू 10 + 10 × 2, ये 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 28, और ये इसके साथ 2 × 32 = 64, 2 × 5 = 10, ठीक है। तो 10 + 5 × 127, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 13,
5 1 6 6 36 6 35 divided by 32। तो ये हमारे साथ इसका एलसीएम हमारे साथ 32 आ जाएगा। तो 32 मल्टीप्लाई बाई 10 से हमारे साथ 320 आता है प्लस 6 35, ये बराबर है। इसको अगर मैं ऐड कर तो 5 3 2 5 6 3 9 955 divided by 32। तो 955 divided by 32 32 2 64 5 4 5 -4 1 आता है और 9 -6 हमारे साथ 3 आता है, ठीक है। 9 2 18 9 3 27 28 तो 15 -8 से हमारे साथ आता है 7 10 -8 से हमारे साथ आता है 2। तो हमारे साथ इसका आंसर आ जाएगा 29 whole 27 divided by 32, ठीक है। तो ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाते हैं। तो 15 हमारे साथ है, ए मैन विशेस टू सेव मनी बाय सिटिंग 1 rupee द फर्स्ट डे, 2 rupees सेकंड डे, 4 द थर्ड डे एंड सो ऑन, डबलिंग द अमाउंट ईच डे। मतलब फर्स्ट डे वो 1 rupee सेव करता है, सेकंड डे वो 2 rupees सेव करता है, थर्ड डे वो 4 rupee, मतलब डबल होता है, 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4, फिर 8 फिर 16, इसी तरह जाता है, ठीक है। If this continue, how much must be set aside on the 15th day? मतलब A 15 मालूम कर ले, 15 day पे वो कितना saving करेगा, ठीक है। A 15 मालूम करे, what is the total amount saved at the end of 30 days? Total amount, sum मालूम कर ले, series का sum, ठीक है। तो हमारे साथ ये, अगर ये मैं series में लिख लूँ, तो ये मेरे साथ 1 + 2 + 4 + 8 + 16 +, ठीक है। तो हमारे साथ ये एक अर्थमेटिक सीरीज है, ये हमारे साथ 1 2 1 2 4 8 16, ये हमारे साथ अर्थमेटिक, सॉरी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ये हमारे साथ एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ए 15 में इस सीक्वेंस से मालूम करता हूँ, इसमें हमारे साथ ए 1 हमारे साथ 1 है, ए 2 हमारे साथ 2 है, तो आर हमारे साथ है 2/1, ठीक है। तो 2/1 से हमारे साथ 2 आता है। अब जब मैं A 15 मालूम करता हूँ तो n हमारे साथ 15 होगा, A 15 A n हमारे साथ बराबर है A into R power n minus 1, A into R power n minus 1। तो जब मैं A 15 मालूम करता हूँ तो A हमारे साथ 1 है, R हमारे साथ 2 है, और power 15 minus 1, तो A 15 is equal to 2 power 14, ठीक है। तो 2 power 14 मतलब 2 को 14 दफा मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे साथ A 15 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम S 30 मालूम करते हैं तो हमारे साथ तो S n का फार्मूला है A into R n minus 1 divided by R minus 1। तो S 30 हम मालूम करते हैं तो इसमें हम S की जगह हम 30 पुट करें, n की जगह हम 30 पुट करेंगे, n हमारे साथ है 1 और r हमारे साथ है 2 power 30 minus 1 divided by 2 minus 1। तो s 30 हमारे साथ आ जाएगा 2 power 30 minus 1, और 2 minus 1 से हमारे साथ 1 आता है, ठीक है। तो 2 power 30 मालूम कर लें और minus 1 इससे 1 minus कर लें, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 को 14 दफा मल्टीप्लाई कर ले और इसको 2 को 30 दफा मल्टीप्लाई कर ले और इससे 1 माइनस कर ले, तो ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं 2 पावर 14 को 2 पावर 14 हमारे साथ बराबर होगा
1600, ए 15 हमारे साथ बराबर होगा 16384, 15 दिन इतना इतनी रुपीस सेविंग करेगा, और इस 30 हमारे साथ बराबर होगा 2 पावर 30 माइनस 1 इसका टोटल सेविंग होगा, ठीक है, इतनी रुपीज इसका टोटल सेविंग होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे साथ है साल में। अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर इंक्रीज ज्योमेट्रिकली फ्रॉम 64,000 टू 729,006 डेज, ठीक है। तो ए वन हमारे साथ स्टार्ट में हमारे साथ बैक्टीरिया कितना है 64,000, ठीक है, सिक्स डेज नहीं मतलब टोटल डेज हमारे साथ 7 बनते हैं, ठीक है, ठीके? और लास्ट वाला मतलब ए 7 हमारे साथ आ गया 729,000, ठीक है, नंबर ऑफ डेज हमारे साथ 7, ठीक है। फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज, आर मालूम कर ले, ठीक है, डेली रेट ऑफ इंक्रीज इफ द रेट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है, हमारे साथ फार्मूला है जनरल, एन इज इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन, ए एन हमें गिवन है 729,000 इज इक्वल टू ए वन हमें गिवन है 64,000, आर हमने मालूम करना है और 7 माइनस 1, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 729,000 डिवाइड बाई 64,000 इज इक्वल टू आर पावर 6, तो ये हमारे साथ आ जाएगा आर 6 हमारे साथ आ जाएगा 729 डिवाइड बाई 64, तो आर 6 729 में लिख सकते हैं 3 पावर 6, 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 6, ठीक है। तो आर 6 हमारे साथ आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 होल 6, या आर हमारे साथ आ जाएगा 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.5, तो हमारे साथ रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, रेट ऑफ इंक्रीज हमारे साथ 1.5 है, रेट ऑफ इंक्रीज हमारे साथ 1.5 है, मतलब कि 0.5 इसमें इंक्रीज आता है, टोटल इंक्रीज कितना आता है 0.5, ठीक है। तो 0.5 हमारे साथ परसेंटेज में बराबर है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 50, और डिवाइड बाई 100 का मतलब है 50%, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया हमारे साथ कितना है 50%, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया वो हमारे साथ कितना है 50% है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे साथ सॉल्व हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गया।